वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ तुर्की स्वीट डिश कुनाफा, वो भी फ्राई पैन में। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाएंगे क्रीम सॉस। एक पैन में एक कप दूध लें, दो खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, दो खाने के चमचे चीनी। अब अच्छे से मिक्स करें और हल्की आँच पर सॉस गाढ़ी होने तक पकाएँ। जब सॉस गाढ़ी हो जाए, ऐसी शक्ल में आ जाए, तो उसको चूल्हे से उतार के साइड पे रखते हैं। अब शीरा तैयार करेंगे। एक पैन में एक कप पानी, एक कप चीनी, एक चाय का चम्मच नींबू का जूस। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और चीनी घुलने तक हल्की आंच पे पकाएंगे। जब बबल्स आ जाए, तो उसमें एक खाने का चम्मच ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान एसेंस डाल के मिक्स करें और अच्छे से मिक्स होने के बाद चूल्हे से उतार के साइड पे रख दें। अब कुनाफा मिक्सर तैयार करते हैं, जिसके लिए 4 कप सेवियाँ लेंगे, 3/4 कप मक्खन या घी यूज़ कर सकते हैं आप, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि मक्खन और सेवियाँ एक साथ हो जाएं। मिक्सर बना के साइड पे रख दें। अब एक पैन में, जिसमें कुनाफा तैयार करना है, एक खाने का चम्मच मक्खन, 1/4 चम्मच जारदे का रंग या फूड कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं हाथ की मदद से पूरा फैला रही हूँ, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको पूरा लगा के हमने जो सेवियों का मिक्सचर तैयार किया था, उसका आधा हिस्सा हम इसमें डाल देंगे और उसको हाथ की मदद से पूरा फैला लें। आप कोई भी फ्लैट चीज़ लें, कप या ग्लास की मदद से इसको अच्छे से दबा दबा के नीचे फ्लैट कर दें। मैंने कप यूज़ किया है। अब इसमें हमने जो क्रीम सॉस तैयार की थी, वो हम इसमें सारी डाल देंगे और सेवियों की तेह पे पूरी इसको फैला देंगे। अच्छे से फैला के, अब इसमें हम 1 कप मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसमें पूरी वो भी फैला दीजिए क्रीम सॉस के ऊपर। अब इसके बाद इसमें आधा सेवियों का मिक्सचर जो हमने बचाया था, वो आप डाल के उसको भी अच्छे से फैला दें और मोज़रेला चीज़ को पूरा कवर कर लें। अब वापस कप की मदद से इसको हम अच्छे से दबाएंगे और चूल्हे पे रख देंगे। अब इसको हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। अब एक साइड तैयार होने पर मैं इसको किसी भी प्लेट की मदद से आप टर्न करके दूसरे साइड को भी 10 से 12 मिनट के लिए चूल्हे पे पकाने के लिए रख दें। अब जब दोनों साइड अच्छे से आपने पका ली, तो इसमें आपने जो शीरा तैयार किया था, वो सारा डाल दें और इसको हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। अब इसमें 4 खाने के चमचे पिस्ता क्रश करके मैं इससे डेकोरेट करूँगी। आपको भी आपकी मर्ज़ी से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और ये मज़ेदार कुनाफा तैयार है। आप अपने फैमिली के साथ इसको ज़रूर बना के खाएं और अपने दावतों में भी यूज़ कर सकते हैं, ईद के सीजन्स में भी बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो गर्म गर्म कुनाफा तैयार है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।